बांदा विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जिला अस्पताल में लगाया गया कैंप, स्क्रीनिंग कैंप लगाकर लोगों का किया गया निशुल्क चेकअप। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा, लोगों की आरामदायक जीवन शैली से हो रही गंभीर बीमारियां, लोग अपने खानपान में सुधार कर बच सकते हैं गंभीर बीमारियों से। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों को मॉर्निंग वॉक और योगा की दी सलाह। रिपोर्ट, रिपोर्टर नवल तिवारी, एवीपी भारत न्यूज चैनल, क्राइम ब्यूरो, बांदा। सर शुभ नाम? डॉक्टर एस एल मिश्रा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बांदा। आज 7 तारीख है, विश्व स्वास्थ्य दिवस में क्या कहने चाहेंगे लोग? विश्व स्वास्थ्य दिवस में आज हमारे यहाँ जो है स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आजकल जैसे विशेषकर जो है लोगों की लाइफ जो है सेडेंट्री हो गई, आरामदायक हो गई है, जो शरीर के लिए कष्टकारी है। रेगुलर एक्सरसाइजेस, मॉर्निंग वॉक और योगा करना बहुत जरूरी है, अन्यथा आरामदायक जिंदगी जीवन जीने से जो है शुगर और ब्लड प्रेशर, मोटापा, ये बीमारियां बहुत ज़्यादा आजकल फैल रही जनता में। जैसा आप भी जानते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ब्लड प्रेशर की बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, हृदय रोग बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। तो स्वस्थ जीवन जिए, रेगुलर मॉर्निंग वॉक करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। सर आजकल कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसका प्रसार अधिक है? मेन रूप से तो जनता में यही बीमारियां ज़्यादा प्रचार हो रही हैं। सामान्य रूप से जो ब्लड प्रेशर शुगर और ब्लड प्रेशर शुगर मोटापा, हृदय रोग भी बढ़ रहे हैं। दूसरे मौसम की बीमारियां आजकल अधिक हो रही हैं, जैसे बुखार हो गया, लूज मोशन हो गया, इनका जो है आजकल ज़्यादा प्रकोप चल रहा है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए और खान पान कैसा होना चाहिए? खान पान जो है शुद्ध होना चाहिए, सादा खाना खाएँ, बाजार का खाना ज़्यादा ना खाएँ। बाजार का खाना जैसे पिज्ज़ा, बर्गर वगैरह आजकल खाते हैं, फैट का प्रयोग ना करें। गांव में भी आजकल शहर की जनता में हमारा घी का प्रयोग ज़्यादा ना करें। उतने अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो फैट आपके शरीर में बढ़ता जाएगा, फैट इकट्ठा होता जाएगा, मोटापा होता जाएगा, जो ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी गंभीर रोगों का जो है लोगों को जन्म देता है। सर जी, कोरोना से लड़ने में योग और आयुर्वेदिक की क्या भूमिका रही? कोरोना से लड़ने में योग की तो अत्याधिक भूमिका है, आयुर्वेद की भूमिका। जैसे गिलोय है हमारा, जो है गिलोय एंटी एलर्जिक है और श्वास में ही फायदा करता है, प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाता है, तो इस तरह से इनका फायदा है। थैंक यू सर।